नमस्कार वीकेपी न्यूज की खास पेशकश में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं देश प्रदेश और दुनिया की कुछ खास खबरें। स्वर कोकिला लता मंगेशकर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मौजूदगी ताउम्र हर भारतीय के दिल में सदा रहेगी। पार्श्व गायिका आशा भोसले ने कहा कि लता दीदी हमारे बीच नहीं है, इस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्री असलम शेख और वर्षा गायकवाड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं विधानसभा में जब से महाराष्ट्र सरकार ने विधायकों को मुंबई में घर देने की बात कही है, तब से इस मुद्दे के विरोध में आवाजें भी उठने लगी है। इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार नौकरी में आवेदन के लिए किन्नरों के लिए श्रेणी बनाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर राज्य सरकार व महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी किया है। तो उधर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने क्रूज ड्रग्स मामले में आरोपी आर्यन खान के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की है। प्रदेश की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। स्वर कोकिला और भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मौजूदगी ताउम्र हर भारतीय के दिल में सदा रहेगी। हाल ही में लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर ऑडिटोरियम में लता दीदी की फोटो का अनावरण किया गया। लता मंगेशकर की फोटो का अनावरण अभिनेता विक्रम गोखले ने किया। बता दें कि विक्रम और लता मंगेशकर के परिवार का रिश्ता 70 साल पुराना है और यही वजह है कि इस नेक काम को उन्होंने किया। इस दौरान विक्रम गोखले ने कहा कि मेरे पिताजी मास्टर दीनानाथ मंगेशकर के शिष्य थे, उनसे वो संगीत की शिक्षा लेते थे। आज लता दीदी हमारे बीच नहीं है, जिस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। वहीं आशा भोसले काफ़ी इमोशनल हो गई, कहा कि लता दीदी का यूँ अचानक जाना उनके लिए एक बड़े दर्द से कम नहीं है। आशा ने कहा कि मैं जब भी कहीं जाती थी दीदी से आशीर्वाद लेती थी, वो मुझे कहती थी कि हमेशा मेरे पैर मत छुआ करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है, भले तू यहाँ आए या न आए, माई बाबा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अब उनके जाने के बाद मैं किसका आशीर्वाद लूँ, किसे अपनी तकलीफ सुनाऊँ। हम बहुत छोटे थे तब बाबा चले गए, माई के जाने के बाद एक बाप बनकर लता दीदी ने हम सबको संभाला और आज उनके जाने के बाद हम सब अनाथ हो गए हैं। सोचा नहीं था कि इतने जल्दी ये सब हो जाएगा, उन्हें अभी कुछ और सालों तक हमारे साथ रहना चाहिए था। मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्री असलम शेख और वर्षा गायकवाड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बांद्रा पुलिस ने यह कार्रवाई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के 26 मार्च के कार्यक्रम के दौरान मंच पर असली तलवारें लहराए जाने के बाद की है। दरअसल मुंबई के बांद्रा इलाके में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी के स्वागत में एक कार्यक्रम हुआ था। इस दौरान महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्री असलम शेख और वर्षा गायकवाड़ तलवार लहराते हुए दिखाई दिए थे। इसके बाद बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी। अब पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अलावा बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने यह मांग की है कि मुंबई शहर की मस्जिदों में लगाए गए अवैध लाउडस्पीकर को हटाया जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि खासतौर पर बांद्रा, वर्सोवा और मोहम्मद अली रोड की मस्जिदों पर यह कार्रवाई होनी चाहिए। मोहित कंबोज ने कहा कि इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी फैसला सुनाया था। लाउडस्पीकर की वजह से हृदय रोगियों और अन्य मरीजों को काफ़ी दिक्कतें होती है। कंबोज ने कहा कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें इस मुहिम को भी शुरू करना चाहिए। कंबोज के इस मांग पर राजनीतिक गलियारों में फिर हलचल तेज है। विधानसभा में जब से महाराष्ट्र सरकार ने विधायकों को मुंबई में घर देने की बात कही है, तब से इस मुद्दे के विरोध में आवाजें भी उठने लगी है। लोगों का कहना है कि जब विधायकों के पास खुद करोड़ों के घर होते हैं तो फिर उन्हें घर देने की क्या जरूरत है, उनकी जगह आम नागरिकों को घर देने के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। इस बीच मंत्री अशोक चव्हाण ने विपक्ष से अपील की है कि वे बेबुनियाद आरोप लगाने से बचे। अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर मुख्यमंत्री और गृह निर्माण मंत्री ने इस तरह का बयान क्यों दिया, जब इस तरह का कोई फैसला हुआ ही नहीं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने हाल में विधानसभा में यह कहा था कि मुंबई में विधायकों को निवास स्थान देने के लिए महाराष्ट्र सरकार 300 घर बनाएगी। इसकी घोषणा करते हुए उन्होंने कहा था, हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के सभी विधायकों का एक स्थायी निवास स्थान मुंबई जैसे शहर में रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुंबई में रोटी कपड़ा मिल जाता है लेकिन मकान नहीं मिलता। ठाकरे ने याद दिलाया कि सन 1995 में राज्य में जब शिवसेना की सरकार बनी थी, तब शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे ने झोपड़पट्टियों में रहने वालों को मुफ्त में घर देने की योजना शुरू की थी। मुंबई में कई झोपड़पट्टी परियोजनाएं चल रही है लेकिन उनकी रफ्तार बहुत धीमी है। ट्रांजिट कैंप में जो लोग रहते हैं उन्हें घर देने की योजना है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरी में आवेदन के लिए किन्नरों के लिए श्रेणी बनाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर राज्य सरकार व महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी किया है। इस विषय को लेकर दो किन्नरों ने अधिवक्ता विजय हिरेमठ के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में किन्नरों ने दावा किया है कि राज्य के परिवहन व पुलिस विभाग में पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता व प्रशिक्षण होने के बावजूद वे इन पदों को पाने में वंचित है, क्योंकि इन पदों पर आवेदन के लिए सिर्फ महिला व पुरुष श्रेणी का उल्लेख है, किन्नर श्रेणी का कोई विकल्प नहीं दिया गया है। न्यायमूर्ति ए सैयद ने याचिका पर गौर करने के बाद राज्य सरकार व संबंधित प्राधिकरण को 3 सप्ताह के भीतर याचिका में उठाए गए मुद्दे को लेकर जवाब देने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को इस याचिका में महाराष्ट्र ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड को भी प्रतिवादी बनाने को कहा है। इस मुद्दे को लेकर दो किन्नरों के अलावा संपदा ग्रामीण महिला संस्था संग्राम व मुस्कान संस्था ने भी कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें राज्य सरकार को सभी सरकारी नौकरियों की नियुक्ति के आवेदन के लिए किन्नर श्रेणी का विकल्प उपलब्ध कराने का निर्देश देने का निवेदन किया गया है। याचिका में कहा गया है कि कानून में जहाँ जहाँ जेंडर का उल्लेख है, वहाँ पर तृतीय पंथी को भी जेंडर के विकल्प के रूप में शामिल किया जाए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने क्रूज ड्रग्स मामले में आरोपी शाहरुख खान के बेटे आर्यन के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के लिए अतिरिक्त समय दिए जाने की मांग को लेकर मुंबई की विशेष अदालत में आवेदन दायर किया है। एनसीबी ने आवेदन में कहा है कि उसे मामले की जांच के लिए और समय की जरूरत है, इसलिए उसे आरोप पत्र दायर करने के लिए 90 दिन का समय दिया जाए। नियमानुसार एनसीबी को 180 दिन के भीतर इस प्रकरण को लेकर आरोप पत्र दायर कर देना चाहिए। यह अवधि 2 अप्रैल 2022 को पूरी हो रही है, लेकिन अभी एनसीबी की जांच पूरी नहीं हुई है। इसके मद्देनजर एनसीबी ने कोर्ट में अतिरिक्त समय की मांग को लेकर आवेदन किया है। शुरुआत में इस मामले की जाँच एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े ने की थी। बाद में इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाया गया था, इसलिए एनसीबी की इस एसआईटी की ओर कोर्ट में अतिरिक्त समय की मांग को लेकर आवेदन किया गया है। गौरतलब है कि एनसीबी ने इस मामले में 3 अक्टूबर 2021 को आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट व मुनमुन धमेचा को क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था। इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, इसमें से आर्यन समेत ज्यादातर आरोपी फिलहाल जमानत पर है। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। बीरभूम हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल विधानसभा में हुई मारपीट के बाद बीजेपी के 7 विधायक अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप जारी है, तो मार्च महीने में ही 40 डिग्री टॉर्चर वाली गर्मी से लोग हैरान हो रहे हैं। ऊपर से मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। वही समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है, वह आज विधानसभा में जाकर शपथ नहीं ले पाएंगे। उधर होटल में शराब पीकर बवाल करने वाले भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद किसान संगठन के समर्थकों ने अस्पताल और कोतवाली थाने में जमकर हंगामा किया। उधर भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ सेंट्रल ट्रेड यूनियन द्वारा बुलाए गए 2 दिन के भारत बंद का आज दूसरा दिन है। लोगों को कई मोर्चों पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश के इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। बीरभूम हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल विधानसभा में हुई मारपीट के बाद बीजेपी के 7 विधायक अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। अस्पताल में भर्ती बीजेपी विधायकों ने सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस के विधायकों पर मारपीट का आरोप लगाया है। वही तृणमूल कांग्रेस के विधायक आसित मुजमदार की नाक पर चोट आई है, उन्हें भी अस्पताल ले जाया गया है। भाजपा विधायक मनोज तिग्गा, शिखा चटर्जी, चंदना बाउरी, नरहरी महतो, नादियार चंद बाउरी, डॉक्टर अजय पोद्दार और लक्षण बाउरी को कोलकाता के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन्होंने टीएमसी विधायकों पर मारपीट करने, धक्का देने और मुक्के मारने का आरोप लगाया है। बीजेपी के एक नेता के अनुसार मनोज तिग्गा की पसलियों पर ज्यादा चोट आई है। दूसरी ओर टीएमसी सांसद और डॉक्टर शांतनु सेन ने मनोज तिग्गा की पसलियों का एक्सरे ट्वीट करते हुए लिखा कि उनकी पसलियां बिल्कुल ठीक है, बीजेपी हमेशा झूठ बोलती है। रेडियोलॉजिस्ट होने के नाते मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि उनकी पसलियों में फ्रैक्चर नहीं है। अपोलो अस्पताल के डीएमएस डॉक्टर एस भाटिया ने उन्हें पर्सनली
विजिट किया और कहा कि भर्ती होने की जरूरत नहीं है। उधर बीरभूम हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल बीजेपी सांसदों को ब्रेकफास्ट मीटिंग के लिए बुलाया है। मार्च महीने में ही 40 डिग्री टॉर्चर वाली गर्मी से लोग हैरान हो रहे हैं। ऊपर से मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार दिल्ली के अलावा अन्य मैदानी राज्यों में बुरा हाल रहेगा। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गैंगटॉक, पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग, उत्तरी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 30 मार्च से 1 अप्रैल तक तेज गर्म हवाएं चलेगी। इसके अलावा जम्मू डिवीजन, हिमाचल प्रदेश और सौराष्ट्र कच्छ में अगले दो दिनों तक हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और राजस्थान में भी लोगों को अगले 5 दिनों तक गर्म हवाओं से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि झारखंड के कम से कम 10 जिलों में अगले 3 दिन तक लू चलेगी। कुछ जगहों पर तो अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। हालांकि राहत भरी जानकारी यह है कि कुछ राज्यों में 31 मार्च या उससे पहले तक बारिश होने की संभावना है। इस महीने के अंत तक पूर्वोत्तर में बारिश होने के आसार है। दक्षिण भारत के भी कुछ क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक छिटपुट बारिश होने की संभावना है, जबकि कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा के अलग अलग इलाकों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले 5 दिनों के दौरान केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक में बारिश हो सकती है। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है। वह आज विधानसभा में जाकर शपथ नहीं ले पाएंगे। कोर्ट ने जेल प्रशासन की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें शपथ ग्रहण के लिए आजम खान को विधानसभा ले जाने की अनुमति मांगी गई थी। यूपी विधानसभा में चुनाव जीत कर आए सभी 403 नवनिर्वाचित विधायकों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जा रही है। सबसे पहले सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बतौर विधायक पद व गोपनीयता की शपथ ली थी, जिसके बाद सपा अध्यक्ष और प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को भी विधायक पद की शपथ दिलाई गई। पहले दिन 343 विधायकों ने शपथ ली। इसके बाद ये सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा। आजम खान को भी विधायक पद की शपथ लेने के लिए आज विधानसभा आना था, जिसके लिए जेल प्रशासन ने अदालत से अनुमति मांगी थी ताकि वो विधानसभा जाकर शपथ ले सके, लेकिन कोर्ट ने इजाजत नहीं देने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से वो विधानसभा नहीं जा पाएंगे। आजम खान यूपी की सीतापुर जेल में बंद है। उन पर अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने समेत कई मामलों में केस दर्ज है। उन्होंने रामपुर लोकसभा सीट से सांसद पद पर रहते हुए रामपुर शहर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। आजम खान लगातार 10वीं बार इस सीट से विधानसभा चुनाव जीते हैं। इसके बाद उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा देकर विधानसभा में रहकर आगे की राजनीति का फैसला किया है। होटल में शराब पीकर बवाल करने वाले भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद किसान संगठन के समर्थकों ने अस्पताल और कोतवाली थाने में जमकर हंगामा किया। खुद राकेश टिकैत धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में यह घटना हुई। देर रात प्रकाश चौक होटल में भारतीय किसान यूनियन के 3 कार्यकर्ता खाना खाने के लिए गए थे। आरोप है कि कार्यकर्ताओं ने खाना खराब बताते हुए होटल मालिक के बेटे रोनित और अभिषेक चौधरी के साथ गाली गलौज की। विरोध करने पर उन पर पत्थरों से जानलेवा हमला कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों तथा 3 कार्यकर्ताओं को लेकर पुलिस के जवान जिला अस्पताल पहुंचे। इस बीच नशे की हालत में कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल में अपना मेडिकल कराने से इनकार कर दिया। यही नहीं, फोन कर अपने अन्य साथियों को भी बुला लिया। साथियों के पहुँचते ही जिला अस्पताल की इमरजेंसी में ही होटल मालिक के बेटों पर उन्होंने हमला बोल दिया। अस्पताल का सामान उठाकर फेंकने लगी। इमरजेंसी में भगदड़ मच गई। बीच बचाव करने आए डॉक्टरों व अस्पताल कर्मियों से भी गाली गलौज की। उसके बाद शहर कोतवाली पुलिस ने 10 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इससे नाराज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत शहर कोतवाली में धरने पर बैठ गए। उनके साथ कार्यकर्ता भी मौजूद है। भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ सेंट्रल ट्रेड यूनियन द्वारा बुलाए गए 2 दिन के भारत बंद का आज दूसरा दिन है। सोमवार को भारत बंद के कारण कुछ इलाकों में लोगों को खासा परेशानी हुई और सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों में कामकाज ठप रहा। वहीं आज भी लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के पहले दिन पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में सोमवार को सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों में कामकाज प्रभावित रहे। साथ ही सार्वजनिक परिवहन सेवा ही
ठप रही, वही आज भी बैंक बंद रहने वाले हैं। हड़ताल के पहले दिन सरकारी बसों को सड़कों से दूर रहने के कारण आम नागरिकों को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। दिल्ली से सटे हरियाणा व पंजाब में परिवहन और बैंक सेवाओं पर खासा प्रभाव देखने को मिला और लोगों के काम अटके रहे। हड़ताल के दूसरे दिन भी सार्वजनिक कामकाज के ठप रहने का अनुमान है। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के अलावा स्वतंत्र क्षेत्रीय संघ और श्रमिक संघ भी विरोध का हिस्सा है। ट्रेड यूनियनों ने कहा कि मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कोयला खनन क्षेत्रों के श्रमिकों ने भी विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के अनुसार उन्हें बैंकिंग, परिवहन, कोयला, इस्पात, तेल, दूरसंचार, डाक व आयकर विभाग के कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त है। बता दें कि श्रमिकों, किसानों और लोगों को प्रभावित करने वाली सरकारी नीतियों के विरोध में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने एक संयुक्त मंच ने 28 और 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। अब तालिबान ने एक और नया फरमान जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि जिन सरकारी कर्मचारियों ने दाढ़ी नहीं रखी है उन्हें ऑफिस में घुसने से रोक दिया जाए। वहीं एक शांति वार्ताकार के साथ मुलाकात के दौरान रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि जेलेंस्की से जाकर कह दीजिए मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। वार्ताकार ने पुतिन को यूक्रेनी राष्ट्रपति की ओर से हाथ से लिखा शांति प्रस्ताव वाला खत दिया था। तो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हाईवे पर बर्फ की आंधी की वजह से एक एक करके 60 गाड़ियां हाईवे पर टकरा गई और आग लग गई। इस बीच फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से अस्पताल में भर्ती होने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। उधर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान को आखिरी धक्का देने का वक्त आ गया है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद तालिबान ने कहा था कि वह लोगों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखता है और कोई ऐसा सख्त कदम नहीं उठाने जा रहा है जिससे लोगों को तकलीफें हो। लेकिन उसी तालिबान ने अब अपने चेहरे से नकाब हटा लिया है। रोज नए फरमान थोपे जा रहे हैं। अब एक और नया फरमान आया है। आदेश में कहा गया है कि जिन सरकारी कर्मचारियों ने दाढ़ी नहीं रखी है उन्हें ऑफिस में घुसने से रोक दिया जाए। तालिबान के इस आदेश पर सोमवार से अमल शुरू होते ही वित्त मंत्रालय के कर्मचारियों को भी ऑफिस में घुसने से रोक दिया गया। तालिबान के इस आदेश की तालिबान समर्थक भी आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम कभी भी लोगों को दाढ़ी बढ़ाने के लिए बाध्य नहीं करता है। बता दें कि पिछले साल अगस्त महीने में अफगानिस्तान में सत्ता में आने के बाद तालिबान ने अफगान जनता, खासतौर पर महिलाओं पर कई कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। तालिबान प्रशासन ने काबुल में कई ऐसे पोस्टर लगाए हैं जिसमें कहा गया है कि महिलाएं बुर्का पहनकर आए। तालिबान का सत्ता में आना महिलाओं के लिए भयावह अनुभव लेकर आया है। उन्हें अब शिक्षा, काम और लंबी दूरी की यात्रा में कई तरह के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। सभी सरकारी निकायों को निर्देश दिया गया है कि महिलाओं को बिना हिजाब के आने नहीं दिया जाए। यूक्रेन में चल रही जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने तेवर और सक कर लिए हैं। रूसी अरबपति और अनाधिकारिक शांति वार्ताकार रोमन अब्रामोचिव के साथ मुलाकात के दौरान रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि जेलेंस्की से जाकर कह दीजिए मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। रोमन ने पुतिन को यूक्रेनी राष्ट्रपति की ओर से हाथ से लिखा शांति प्रस्ताव वाला खत दिया था। जवाब में रूसी राष्ट्रपति ने कथित रूप से यह धमकी दे डाली। रिपोर्ट के मुताबिक इस हाथ से लिखे नोट में युद्ध को बंद करने के लिए यूक्रेन की शर्तों के बारे में पूरा विवरण दिया गया था। इससे पहले रूसी अरबपति रोमन अब्रामोचिव ने यूक्रेन के अनुरोध को स्वीकार करते हुए रूस के साथ बातचीत में मध्यस्थता को अपनी स्वीकृति दे दी थी। ब्रिटेन के चेल्सी फुटबॉल क्लब के मालिक रोमन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों का संदेश एक दूसरे को पहुंचाने के लिए इस्तांबुल, मास्को और कीव के बीच चक्कर लगा।
लगा रहे हैं। इस बीच बड़ा खुलासा हुआ है कि रोमन को इस महीने की शुरुआत में यूक्रेन की शांति वार्ताकारों के साथ संदिग्ध जहर का सामना करना पड़ा था। रिपोर्ट के अनुसार चेल्सी फुटबॉल क्लब के मालिक को कथित तौर पर कुछ हफ्ते पहले कीव में एक बैठक के बाद जहर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन रूस युद्ध में शांति निर्माता के रूप में काम किया था। विश्लेषकों ने भी पुष्टि की है कि 3 मार्च को यूक्रेन और रूस के बीच शांति वार्ता में भाग लेने वाले रोमन सहित प्रतिनिधि मंडल के 3 सदस्यों ने रासायनिक हथियारों के साथ जहर के अनुरूप लक्षण का अनुभव किया। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हाईवे पर बर्फ की आंधी की वजह से एक एक करके 60 गाड़ियां हाईवे पर टकरा गई और आग लग गई। इस हादसे में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और 24 लोग घायल हो गए। अमेरिका मीडिया के मुताबिक यह हादसा काउंटी में हाईवे पर हुआ। पुलिस के मुताबिक हादसे की शिकार हुई गाड़ियों की संख्या 40 से 60 तक हो सकती है। सोशल मीडिया में जमकर शेयर किए जा रहे इस हादसे की वीडियो में नजर आ रहा है कि बर्फबारी के कारण हाईवे पर बहुत कम दिखाई दे रहा है और गाड़ियां एक दूसरे को टक्कर मारती जा रही है। यह हादसा इतना भयानक था कि गाड़ियों में बैठे यात्री और ड्राइवर अपनी गाड़ी को छोड़कर भागते हुए दिखाई दिए। यह पूरा रास्ता पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इस हादसे में हताहत लोगों की तलाश और राहत बचाव के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस इलाके में यह दूसरी बड़ी घटना है। इस घटना की वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि ट्रैक्टर ट्रेलर और कारें फिसलती जा रही है और एक दूसरे से टकरा रही है। घायलों को पास के 4 अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। यह हादसा सुबह करीब 10:30 बजे शुरू हुआ। इसके बाद आसपास के रास्तों को बंद कर दिया गया। इस खौफनाक हादसे के वीडियो को ट्विटर पर जमकर शेयर किया जा रहा है और अब तक 20 लाख बार इसे देखा जा चुका है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से चीन में फिर हाहाकार मच गया है। शंघाई शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन का BA.2 वेरिएंट चीन और यूरोप के कुछ हिस्सों में तेजी से फैल रहा है। इसमें फ्रांस, इटली, जर्मनी और यूके शामिल है। वहीं हांगकांग में अब स्थिति में सुधार नजर आ रहा है। चीन का शंघाई इस समय इस वेरिएंट का हॉटस्पॉट बना हुआ है। फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से अस्पताल में भर्ती होने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा। 1 फरवरी के बाद रविवार को सबसे ज्यादा लोग फ्रांस के अस्पताल में भर्ती हुए। वहीं इटली की बात करें तो 2 दिन में ही यहां 90,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। सोमवार को यहां 30,000 से ज्यादा ओमिक्रॉन के नए मामले मिले थे। इससे पहले रविवार को लगभग 60,000 लोग संक्रमित हुए थे। चीन के प्रमुख शहर शंघाई में सोमवार को 4,400 से ज्यादा केस पाए गए थे। यहां फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि यहां कोविड का ग्राफ लगातार गिर रहा है। पिछली बार होली के बाद ही महामारी चरण पर आई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि डेल्टा के बाद यह ओमिक्रॉन का BA.1 और BA.2 दोनों ही वेरिएंट फैल चुके हैं। इस बार वैक्सीन की वजह से सुपर इम्यूनिटी है और ये वायरस असर नहीं दिखा पा रहे हैं। चीन में केस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि वहां BA.2 वेरिएंट अब फैल रहा है, जबकि भारत में यह पहले ही फैल चुका है। ऐसे में इस वेरिएंट से लड़ने की ताकत हमारे अंदर है। अगर कोई ज्यादा खतरनाक वेरिएंट नहीं आता है तो भारत में अब कोरोना का खतरा नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने कहा है कि प्रधानमंत्री इमरान खान को आखिरी धक्का देने का वक्त आ गया है। इस्लामाबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए मरियम नवाज ने इमरान खान पर तीखा हमला किया, उनके आर्थिक शासन और विदेशी नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पूरा देश भूखमरी की कगार पर है और सरकार सिर्फ बातें बना रही है। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव के कुल 161 तो को पेश किए जाने के बाद कार्यवाही 31 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष को भरोसा है कि उनका प्रस्ताव पारित किया जाएगा, क्योंकि पीटीआई के कई विधायक पीएम इमरान खान के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं। पाकिस्तानी नेशनल असेंबली में कुल 342 सदस्य हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 172 है। पीटीआई के नेतृत्व वाला गठबंधन 169 सदस्यों के समर्थन से बनाया गया था, जिसमें इमरान खान की पीटीआई में 155 सदस्य थे। इसके अलावा 4 प्रमुख सहयोगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद, बलूचिस्तान आवामी पार्टी और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के क्रमशः 7, 5, 5 और 3 सदस्य हैं। फिलहाल इमरान खान की स्थिति अनिश्चित है, क्योंकि 4 सहयोगियों में से 3 यानी MQMP, PMLQ और BAP ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के लिए अपना समर्थन दिया है।
वीकेबी न्यूज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी कल आपसे, तब तक के लिए देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।